अब कई लोग ऐसे बातें आती ना प्रवचन में, तो कई लोग मेरे से प्रश्न पूछने लगते हैं, साहब ऐसा है क्या, ऐसा है पूजा फिर हम करें कि नहीं। अरे भाई, प्रवचन में कोई भी बात हम कह रहे हैं वो किसी अपेक्षा कह रहे हैं। क्या कह रहा हूँ मैं आपको भी कोई बात कह रहा हूँ, सर्वथा नहीं है, हमेशा एक अपेक्षा है। कोई 3 घंटे पूजा करने वाले सभी बुरे हैं ऐसा नहीं है, कोई विधान करने वाला बुरा है ऐसा नहीं है, कोई व्रत से संयम करने वाला बुरा ही है ऐसा नहीं है। पर ये क्यों कह रहे हैं आप? अधिकतर की अपेक्षा कह रहे हैं, ज्यादातर 90% लोग इसी तरीके से करते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं। वे 2-4% तो हमेशा हर क्षेत्र में बचे रहेंगे। जैसे देखो, ये दुनिया बेईमानों से भरी पड़ी हुई है, तो क्या सारे ही बेईमान? नहीं, 2-4 आदमी होते हैं जो ईमानदार होते हैं, लेकिन वे 2-4 गिनती में कभी नहीं आएंगे। आएंगे कौन? 99% वाले। सारे जगत के लोग मंदिरों में घृत मिथ्यात का सेवन करते हैं, तो भैया सब नहीं करते, कुछ लोग होते हैं जो अच्छे अभिप्राय से भगवान की पूजा, लेकिन वो उनकी गिनती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए समझा ही नहीं रहे, क्योंकि उनका अभिप्राय तो पहले ही से निर्मल है। अंत समय स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होता जो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देती, तो इसका अर्थ है जो नहीं देते उनके लिए। सब सबके लिए, सबके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग स्वाध्याय करते हैं, तत्व विचार करते हैं, स्वरूप समझते हैं, वो ठीक है, लेकिन प्रवचनकार तो यहाँ तुम्हारे दोस्त बताने ही तो बैठाया है ना। देखो, डॉक्टर रोगों की चर्चा करेगा कि निरोगी की चर्चा करेगा? डॉक्टर के पास जाओगे तो काय की चर्चा करेगा? रोगों की। काय की चर्चा करेगा? तो भैया क्या तकलीफ है, क्या दर्द है? और तुम कहोगे मुझे कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या कहेगा डॉक्टर? तू यहाँ आए क्यों? प्रश्न क्या करेगा? यहाँ आए कहो, और तुम डॉक्टर से कहो क्यों जरूरी है कि तुम्हारे पास रोगी आए? निरोगी नहीं आ सकता? मैं अच्छा निरोगी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? ऐसा अगर डॉक्टर से तुम कहोगे तो क्या कहेगा डॉक्टर? अरे भाई, यहाँ बाहर लिखा ही है ना हॉस्पिटल, यहाँ काहे के लिए आते हैं लोग जिनको कोई तकलीफ हो? ऐसे ही हम स्वाध्याय में क्यों बैठते हैं? अपने दोष निकालने के लिए, कि हमारे अंदर जो कमियाँ चल रही हैं, जो गलतियाँ चल रही हों वो निकल जाएँ, अथवा भविष्य में वे गलतियाँ ना हो जाएँ। अंतर समझ में आया? तो हमेशा स्वाध्याय उन्हीं की मुख्यता से है, तो वो दोष अपने में नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि अपन सबकी निंदा कर रहे हैं। बहुत सारे महाराज अच्छे भी हैं, अंतर समझ में आया? बहुत सारे पंडित अच्छे भी हैं, लेकिन अच्छे वालों की बात नहीं हो रही है, ख्याल में है ना? यहाँ सारी चर्चा किसकी हो रही है? जिसमें ये कमी है। पकड़ में आया?